बहुत डर लग रहा है, अगर वो मुझ पे ऐसे अटैक कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है मेरे साथ। देखिए उसे जो करना था उसने कर लिया, उसके लिए सॉरी, और आप चिंता ना करें, अब तक मैंने आप लोगों का साथ दिया है तो आगे भी दूंगा। हाँ तू साथ क्यों नहीं देगा, पैसे चुकाए तूने। तब तो एक काम करता हूँ, एक सप्ताह के लिए दो कांस्टेबल अपॉइंट कर देता हूँ, वो हर वक्त आपके साथ रहेंगे। और वैसे भी कल संजू के केस का कोर्ट में फैसला आने वाला है। हाँ इस बीच अगर परी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो आप लोग तो सेफ रहेंगे। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। ठीक है इंस्पेक्टर, आप दो अच्छे कांस्टेबल अभी अपॉइंट कीजिए मधु की सेफ्टी के लिए। नहीं 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 रुशद, नो, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आप अपने कांस्टेबल इंस्पेक्टर साहब अपने पास रखिए, अगर कुछ करना ही है तो परी का कीजिए ना। मतलब? मतलब साफ है, उसे अरेस्ट कीजिए। व्हाट? लेकिन परी को अरेस्ट क्यों? क्या किया है परी ने? आप मानो या ना मानो लेकिन साक्षात भगवान जी आपके साथ जरूर है। एक मुसीबत से निकल के दूसरे मुसीबत में फंसते ही तुरंत वहां से निकलने का रास्ता मिल जाता है जी। जरूर कोई स्पेशल कनेक्शन है जी। वरना आप सोचो, इतना खतरनाक मिशन को कंप्लीट करके वापस आना, वो भी सबूत के साथ जी, ये तो टॉम क्रूज जी के लिए भी इम्पॉसिबल है जी। थैंक यू बल्लीवीर, लेकिन ये सब ना मैं अकेले नहीं कर सकती थी, आपने मेरा साथ दिया तभी सब कुछ आराम से हो गया। परी जी ये इमोशनल गल कर दी आपने जी, मैं आपको अपनी छोटी बहन मानता हूँ जी। ये अदालत, ये कानून, इन सब से भरोसा मेरा कब का उठ गया था जी। वीर जी ये सब क्या है, इतनी सारी अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग कपड़े। ओ परी जी आप बहुत जल्दी भूल गई, याद है जब आप मुझे पहली बार मिली थी कोर्ट में, रील्स ही तो बना रहा था। ये सब रील्स के चक्कर में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बन जाता हूँ जी। अभी तो एक और बनाना बाकी है जी। कमाल है आप भी। अच्छा आपको काफी भूख लगी होगी, मैं अभी गया और कुछ बना के लाता हूँ जी। नहीं 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 वीर जी, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, काफी रात हो गई, मुझे घर के लिए निकलना होगा। और हाँ, ये सबूतों का बैग ना मैं आपके यहाँ ही छोड़ के जा रही हूँ। वो मधुलिका ना बहुत चालाक है, इन सबूतों को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप कल ना इन सबूतों को कोर्ट में लेके आना, फिर हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सब का टेस्ट करें। ठीक है जी, आप चिंता ना करो। लेकिन मधु जी, बिना किसी कंप्लेन के हम उसको अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? प्रॉब्लम क्या है? विक्रम खुद आपके पास यहाँ पे बैठी हुई है, ये काफी नहीं है क्या? ये देखिए उसने मेरा हाल क्या किया है, उसने मुझ पे अटैक किया है, उसने मुझे मारने की धमकी दी है, क्या ये काफी नहीं है? ये लड़की बहुत चालाक है, ये झूठ पे झूठ बोल के परी को फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये भी जानती है परी कुछ भी करके सबूत ढूंढ लेगी इसके खिलाफ। और ये इंस्पेक्टर, कम से कम इसे तो अपनी वर्दी की इज्जत रखनी चाहिए, सबके सब एक जैसे। ठीक है, मैं उसे उसके घर से अरेस्ट करता हूँ, अब तो घर आ चुकी होगी। ये अच्छी बात है। चावला। यस सर। चलो गाड़ी निकालो। यस सर। ये सब क्या हो रहा है, सारी चीजें हमारे अगेंस्ट जा रही है, पर एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पे एक पार्टी की बात सुनी जा रही है और दूसरी पार्टी को दबाया जा रहा है। हे भगवान जी, आप ही कुछ कीजिए, कुछ भी करके बस परी को अरेस्ट होने से बचा लीजिए प्लीज। नीति, आई एम सॉरी यार, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। शैली, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती और ना ही तुम खुद समझ पाओगे कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। तुम्हारे लिए परी सिर्फ मेरी एक दोस्त है, लेकिन मेरी नजरों से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हम दोनों का रिश्ता क्या है। यूं समझ लो कि हम दोनों का दिल भी ना एक दूसरे के सीने में ही धड़कता है। परी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे ज्यादा इफेक्ट मुझे ही होता है, और आज उसके पति पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है। कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं जीजू, तुम्हें अंदाजा भी है परी और उसकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी। यू आर राइट नीति, मैं सेल्फिश हो गया था, सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में सोचने लग गया था, और ये भूल गया था कि तुम्हारी लाइफ में सारे रिश्ते तब से हैं जब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं था। तुम तो अपना नॉर्मल बिहेव कर रही थी, मुझे ही ऑड फील हुआ, इसलिए ओवर रिएक्ट कर दिया। आई एम सॉरी, शायद इसलिए ओवर रिएक्ट कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें खो देने का एक अजीब सा डर बैठ गया मेरे दिल में। मैं किसी भी कीमत में तुम्हें खोना नहीं चाहता नीति,
आई एम सॉरी टू शैली, बट मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं वन मैन वुमेन हूँ। मेरी जिंदगी की सारी सुइयां सिर्फ एक ही इंसान पर आकर रुक जाती हैं, और वो है मेरा संजू। मैं सिर्फ उसे ही चाहती हूँ। मेरी जिंदगी भी संजू है और मेरे जीने की वजह भी वही है। इतनी रात को कौन आया होगा? नीति, मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर, अब इस टाइम यहाँ? हमें इस घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? क्यों, क्या हो गया? वो भी इस वक्त? देखिए, एक मौका दे रहा हूं आप लोगों को, कॉपरेट करिए, उसको बुलाइए, वरना अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए। किससे बुलाना है इंस्पेक्टर? आखिर गल की है, साफ साफ बताइए ना। हम परी को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। अरे, आप परी को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, वो भी इतनी रात को? वो क्रिमिनल है, और क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए दिन और रात नहीं देखा जाता। अरे, पर परी भाभी ने किया क्या है? नरुशद अहलूवालिया के होटल में जाकर के तोड़फोड़ की है, और मधुलिका जी को जान से मारने की धमकी दी है। एक मिनट इंस्पेक्टर, आप परी की गल कर रहे हैं? परी ऐसा कभी नहीं कर सकती। देखिए, आप बेकार में हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बुलाइए उसको, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या इंस्पेक्टर, जैसे संजू पर गलत इल्जाम लगाकर उसे जेल में बिठाया है, वैसे ही मधु परी पर भी गलत इल्जाम लगाकर उसे जेल में बिठाना चाहती है। लेकिन मेरे जीते जी मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ठीक है, फिर आपकी मर्जी। हमारे पास सर्च वारंट है इस घर की तलाशी लेने का। चावला, इस घर का कोना कोना छान मारो। जाओ। जी सर। तुम इधर जाओ। ऐसे कैसे कर सकते? इंस्पेक्टर साहब, ओए, आप हमारे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे। ओए, हमको चोर लुटेरे, इस शहर के इज्जतदार लोग हैं, इज्जतदार लोग। मैंने कब कहा बाजवा साहब कि आप लोग गलत हो? मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। मिला उधर कुछ? नहीं, कुछ नहीं है सर। क्या हुआ, अंदर मिली? सर, पूरा घर अच्छे से देख लिया, एक एक कमरा छान मारा, लेकिन परी कहीं दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, वो जैसे यहां पर आती है उसको पुलिस थाने भेजिए। मैं तो इतने केस लगाऊंगा कि जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकलेगी। मधु ना पागल हो गई है। अरे, दिमाग खराब हो गया है उसका। संजू परी के पीछे ही पड़ गई है वो। संजू ऑलरेडी लॉकअप में इतने घंटों से, और हमें ये भी नहीं पता कि कल कोर्ट में उसके साथ क्या होगा। अब वो परी के पीछे पड़ गई है। क्यों? क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि परी के हाथों कोई सबूत लगा है जो कल उसे कोर्ट में गलत साबित कर सकता है। बस बस इसीलिए ना उसने जानबूझ के परी के अगेंस्ट कंप्लेंट बुक की है। अरे, बात तो ठीक है, लेकिन परी है कहां? उसको फोन करके इन्फॉर्म करो कि सिचुएशन ऐसी है, अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। हाँ वीर जी, आज परी भाभी को ना किसी भी कंडीशन में पुलिस से बच के रहना होगा, नहीं तो। हाँ, तू चला जा अपने भाभी को बॉडीगार्ड बन के। अरे, ये पुलिस से बचना इतना आसान है क्या? पुलिस को जब किसी को पकड़ना होता है ना, तो हर हाल में पकड़ कर रहती है। अरे सुलोचना, तू तो छड़ ये सब, जिसकी मुसीबत वो खुद जाने। तू तो बस तमाशा देख तमाशा। मैं उसे फोन लगा रही हूँ। पहली बार वीर जी के घर आई है, कुछ तो ले लीजिए। नहीं नहीं वीर जी, फिर कभी, मुझे सच में बहुत लेट हो रहा है। पानी ले लीजिए, नींबू पानी। मैं नींबू पानी लेके आता हूं। नहीं नहीं, मैंने कहा ना उसके जी घर से है। हाँ, आप बात करो, मैं नींबू पानी लेके आता हूँ। अब देख, हेलो हेलो परी पुत्र, कितने हैं तू? ताई जी, मैं वो
वकील साहब के घर से निकल ही रही हूँ, आप अभी तक जागे हुए हो? हाँ पुत्र, गाली कुछ ऐसी है। हाँ बोलिए, आप चुप क्यों हो गए, क्या बात है? पुत्र वो घर पे पुलिस आई थी। हम परी को अरेस्ट करने के लिए आए हैं, वो जैसे ही यहाँ पर आती है उसको पुलिस थाने भेजिए, मैं तो इतने केस लगाऊंगा कि जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन ताई जी ये सब? पुत्र उसने तेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि तूने होटल में जाकर उसके साथ मारपीट की, वहाँ तोड़ फोड़ किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। ताई जी मैं तो वहाँ राजीव को बचाने के लिए सबूत ढूंढने गई थी। और वो मधुलिका, उसने अपने पूरे स्टाफ को अलर्ट करके रखा था पूरे होटल में निगरानी रखने के लिए। और तू ठीक तो है ना? हाँ ताई जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लो। लेकिन ये मधुलिका इस हद तक गिर जाएगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसे गिरे हुए इंसान से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? लेकिन मैंने अपनी परी पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकती, अपने दुश्मन के साथ भी नहीं। लेकिन पुत्र अगर तू तोड़ फोड़ कर भी देती ना, तब भी मैं तुझे गलत नहीं कहती, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते। और मधु और उसका पति ना इसी के लायक है। मधु ने तो सारी हदें पार कर दी है झूठा इल्जाम लगाने की। अगर मेरा बस चलता ना, मैं उसे दो चाटे लगा कर देती। लेकिन पुत्र अब उसने तेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी है, तो तुझे संभल के रहना होगा पुत्र। तू है ना फॉरेन का राजा। और हाँ चौकन्ना रहना, पीछे के दरवाजे से आना, मुझे फोन कर देना, मैं दरवाजा खोल दूंगी। हाँ तायशी, वैसे मेरे हाथ इतने सबूत तो लग ही गए हैं जो राजीव को कल कोर्ट में बेगुनाह साबित कर देंगे और उस मधुलिका की असलियत सबके सामने आ जाएगी। तो बहुत ही खुशी की बात है पुत्र। हाँ ताई जी, लेकिन हम सब खुशियां तब मनाएंगे जब कल संजू का राज आएगा। इस वक्त तू का राजा पुत्र, हम सबको तेरी बहुत चिंता हो रही है। ताई जी आप टेंशन मत लीजिए। वीर जी ये मधुलिका फिर हमसे दो कदम आगे निकली। अब क्या किया इस कमीनी ने? उसने पुलिस में ये कंप्लेन कर दी कि मैंने उसके साथ मारपीट की और उसके होटल में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। ऐसा रिपोर्ट में लिखाया? हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो पूरी कोशिश करेगी ना ताकि मैं कोर्ट ना पहुंचूं। वीर जी आप बस इस बैग का ध्यान रखना, ये कहीं और नहीं जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप फिक्र मत करो जी, मैं हर हाल में ये सबूत लेके कोर्ट आऊंगा जी। मम्मी क्यों है, की क्या? परी ने, परी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, वो अपने लॉयर है ना बल्ली उसके घर पे है, थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी। ऐसे अच्छी गल है, तूने उसे बता तो दिया कि सावधान रहे, पुलिस उसके पीछे पड़ी है। हाँ अभी अभी तो बताया था ना आप सबके सामने। एक और खुशखबरी है। क्या ताई जी? कन्फर्म हो गया है कि उसके हाथों मधु के खिलाफ सबूत लग गए। क्या सच मम्मी? हाँ पुत्र, परी ने खुद मैंने बताया। साबित हो गया है, रब के घर में देर है अंधेर नहीं है। बस अब संजू वापस आ जाए, इस घर की खुशियां वापस लौट आएंगी। एक बार फिर परी की मेहनत और संजू के लिए उसका प्यार रंग लाया। परी ने साबित कर दिया है कि प्यार में बहुत ताकत होती है। ये पम्मी बिना कम नहीं है, मौका पे मौका नीति के सामने ना परी के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है कि इस नीति के चेहरे का तो रंग, लेकिन अभी इस नीति का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। या तो सच में इसकी याददाश्त चली गई है और सब कुछ भूल गई है और इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, या फिर इसे समझ सब आ रहा है लेकिन दिखाना नहीं चाहती, इसीलिए मुंह बंद कर खड़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है? परी कैसे बचा सकती है संजू को? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, संजू को बचाने का काम मेरा था और मैं ही करूंगी। अब कल कोर्ट में परी मधु के खिलाफ सबूत सामने पेश कर देगी और संजू को जेल से छुड़ा लेगी और फिर संजू और परी एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। बट मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वरना मैं संजू को हासिल करने का चांस हमेशा के लिए खो दूंगी, है ना जी? मैं जानता सी हमारी परी ना शेरनी है, कुछ ना कुछ जरूर करेगी। और पम्मी मैंने तेरे को कहा था ना, ओए रब कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा अंधेरे में से। बिल्कुल,
निकाला ना। वाहेगुरु तेरा लाख लाख शुक्र है। बिल्कुल सही कह रहे हो पापा जी आप। हम जहां तक सोचते भी नहीं ना, परी भाभी उसके आगे का सोच लेती। बहुत प्यार करती है मेरे वीरे से, तभी तो इतने बड़े खतरे से खेल गई। मोंटी ने सही कहा, परी और संजू एक परफेक्ट कपल है, एक दूसरे से इतना प्यार जो करते हैं। नीति क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखाई दे रही परी के लिए? नहीं नहीं, ऐसा क्यों लगा आपको? मैं तो बहुत खुश हूँ परी के लिए। भाई एक बात तो है, परी जैसी बीवी ना भगवान सबको दे। देख लो एक परी है जो आधी रात को अकेले अपने पति को बचाने के लिए सबूत लेके आई है, और एक ये है जो आधी रात को मुझे एक ग्लास गर्म दूध नहीं दे सकती। इसलिए नहीं देती क्योंकि तुम्हें ना डॉक्टर ने मना किया दूध देने से रात को। वो क्या है ना, रात को दूध पीते ही तुम्हें गैस। अरे अरे अरे, मैं समझ गया, तू बहाने मत बना, बैठ जा बैठ जा। कितने दिनों बाद सबके चेहरे पर ऐसी खुशियां दिख रही है, रब ये खुशियां बनाए रखे। बस अब परी घर आ जाए, कल सवेरे सीधे उसे कोर्ट ले जाएंगे। हाँ, है ना जी? हाँ, बिल्कुल। परी जी, जी मैं आपके साथ ऑटो स्टैंड तक चलता हूँ जी, वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं वीर जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अकेले चली जाऊंगी। परी जी मैं चलता हूँ ना। ये तो पुलिस का सायरन है। हाँ जी, पुलिस? अच्छा हुआ जी अब अकेले नहीं गई, वरना पुलिस आपको दो मिनट में पकड़ लेती और पूरा केस हाथ से निकल जाता। एक काम करो आप, है ना, कुछ देर के लिए यहीं छिप जाओ। लेकिन वीर जी मुझे यहाँ से भी तो निकलना होगा ना, अगर पुलिस यहाँ पहुँच गई तो। हाँ जी। वीर जी मैं इस खिड़की से बाहर चली जाती हूँ। हाँ जी ये ठीक रहेगा। दरवाजा खोलो। क्या करूं मैं वीर जी? जी क्या करे, क्या करे जी, क्या करे जी, क्या करे जी? परी जी आपकी हाइट कितनी है जी? मैंने मतलब कि उस बक्से में छिप जाते हैं जी। मैंने कहा दरवाजा खोलो। वीर जी जल्दी जी। दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। मुझे मालूम है तुम और वो लड़की दोनों अंदर ही हो। मेरे तीन पूरे होने से पहले दरवाजा नहीं खुला तो मैं तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। थ्री टू वन। अजी दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? इंस्पेक्टर साहब जी टाइम तो देखो, मैं तो घोड़े बेच के सो रहा था जी, और जो पैसे मिले ना उसको गिन रहा था। पैसे कम थे तो खरीदने वाले को जो बस मैं पंच मारने वाला था कि आपने उठा दिया। वो तो क्या है ना जी, वकील हूँ ना तो डिटेल में सुनाना अच्छा लगता है जी। वैसे इतनी रात को शरीफ वकील के घर में क्या ढूंढ रहे हैं जी? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। मुझे ये भी पता है कि वो लड़की इस समय तुम्हारे घर में छिपी हुई है। कहाँ है वो, बुलाओ उसे। ज्यादा होशियारी नहीं? इंस्पेक्टर साहब जी मैंने होशियारी तो ही नहीं सीखी है जी, अगर सीखी होती तो वेल्ला नहीं बैठा होता मेरे पास, है ना, केस की लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन लगी होती जी। वैसे जिस तरह से आप शरीफ वकील के घर में घुसे हो ना, वैसे तो पुलिस किसी क्रिमिनल के घर में घुसती है जी, और मैंने तो कोई क्राइम किया ही नहीं तो मैं क्रिमिनल कैसे हुआ जी? क्रिमिनल को अपने घर में पनाह देना भी एक क्राइम है, ये तो जानते हो ना वकील साहब। मैं तो इस घर में कौन कौन रहता है? है जी मैं और मेरी तन्हाई इस घर। ज्यादा नौटंकी नहीं, जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो वरना पूरी हेकड़ी निकाल के रख दूंगा। तो निकालो ना जी, हेकड़ी निकालो। जी इंस्पेक्टर जी, वो क्या है ना, जुबान मेरी कैंची की तरह है, चलती रहती है। इतना पूछ रहा हूँ उतना चुपचाप बताओ कहाँ है परी? परी परी हाँ जी
कौन परी जी याद नहीं आ रहा जी, मैं किसी परी को जानता ही नहीं जी। परी तो छोड़िए, छिपकली को नहीं जानता जी। अच्छा तो तुम परी को नहीं जानते हैं? याद दिलाऊं तुम्हें? याद दिलाऊं? हाँ जी, हाँ जी, याद आ गया जी। आ जी, मैंने आपका पॉइंट समझ लिया जी, समझ गया। वो परी की बात कर रहे हैं जी। अजी वो तो अपने घर पे होगी ना इस वक्त, अब मेरे घर में क्यों ढूंढ रहे हैं? अब उनके घर में ढूंढिए, अब बता दूं मैं। लेकिन वो अपने घर पर नहीं है अभी। तो अपने घर पे नहीं है जी, तो कितने है अजी? कल कोर्ट की सुनवाई होने वाली है जी। मैं जीत जाऊंगा फिर पेमेंट कौन देगा जी? जो पूछ रहा उतना बता, कहां है परी? तो वकील है ना, इसलिए शराफत से बात कर रहा हूँ, वरना जो चालाकी दिखाता है ना उसे ठीक करना आता है मुझे। करूँ क्या ठीक तुझे? नहीं जी। हाय रब्बा, अब क्या करूँ मैं? अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो कल मैं राशिफ को कोर्ट में बेगुनाह कैसे साबित कर पाऊंगी?